मंडी से अनिल शर्मा जी जीते हुए हैं और 12 तारीख को जब पोलिंग होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनिल शर्मा जी को वोट देंगे। और वैसे तो आप ऐसा समझो भी 8 को जब रिजल्ट निकलेगा अनिल जी जीते हुए हैं, तो बीजेपी जीती हुई है हमारी नज़रों में और हम इनको जिता के छोड़ेंगे अनिल शर्मा जी को। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने वर्करों ने जितना काम किया है ये इस हिसाब से तो अनिल शर्मा जी जीते हुए हैं। धन्यवाद। मैं अनिल शर्मा जी के इस संबंध में करता हूँ कि मैं तो इनके साथ कई सालों से 1965 से जब इनके पिताजी थे उस टाइम से जुड़ा हूँ, तब से चलकर आज तक, वो तो अब है नहीं है मगर उसके बाद इनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ये चाहे किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे कांग्रेस में जाएं, चाहे बीजेपी में जाएं, कहीं भी जाएं, मगर हम इनके साथ ही चले हैं। जब इविका थी तब भी हम साथ थे, जब कांग्रेस में तब भी साथ थे, अब जब बीजेपी में है तब भी हम साथ ही हैं। और हमारा कभी कर्तव्य बनता है, इन्होंने जो काम हमारे लिए किए हैं, यहाँ शर्मा जी ने, पंडित सुखराम जी ने और अनिल शर्मा जी ने, वो हमारे भूलने के ये नहीं है। अनिल शर्मा जी ने जो मंडी विधानसभा में आज तक जो भी विकास करवाए हैं वो एक मिसाल के तौर पे है। जैसे पुरानी मंडी से 26 करोड़ का जो इन्होंने अपने विधायक उसमें प्रोटी में 26 करोड़ का पुल पुरानी मंडी वासियों को दिया है और जो कि आपके संकेत दरबार से मिलता है। उसके साथ ही एक झूला पुल है पुरानी मंडी आपके ठारू से, वो भी 6-7 करोड़ का पुल अभी तैयार अभी उसका आधा काम चला हुआ है। और साथ में ही मंडी वासियों को सबसे बड़ी सौगात जो है सरकार में यूनिवर्सिटी की मिली हुई है, जो हमें 1971 के बाद आज 1971 के बाद देखो आप मतलब 50 साल के बाद मंडी में दूसरी यूनिवर्सिटी मिली हुई है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायक अनिल शर्मा जी का योगदान है। और उसके बाद मंडी कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हमारा बन रहा है, उसमें भी 26 करोड़ का बन रहा है। और उसके साथ ही हमने 32 करोड़ का अनिल शर्मा जी ने देव सदन का कार्य करवाया, 250 करोड़ का हमारा मंडी शहर में जो इस बीजेपी की सरकार में मोदी जी की सरकार में जो केंद्र से पैसा आया 250 करोड़ रुपये, जिससे हमारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, चौटा बाजार की सौंदर्यीकरण हुआ, आपके कम्प्लेक्स के ऊपर का सारा कुछ, इसमें हमारा 250 करोड़ टूरिज्म का मंडी में लगा जो पिछले 7-8 वर्षों में, जो कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई हुई है। और उसके बाद हमारे करोड़ों रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें 5-10 करोड़ रुपए सड़क के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है इस 5 वर्षों में। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।